सुबह सुबह चली भी अपनी सफाई, ठीक है, जो कि ये बहुत ज़रूरी काम है। देखो धूल कितनी हो जाती है एक ही दिन में इकट्ठी इसके ऊपर के लिए। अनु कर रहा है मैट साफ और इधर की सफाई भी की अनु ने, मैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा झाड़ रहा हूँ। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई कंपनी से वीडियो देखते हो तो थैंक यू सो मच भाई आप लोगों का। और फॉर श्योर भाई अगर आप ट्रकिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो भाई आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप ट्रक से रिलेटेड शौक रखते हो भाई ट्रकों का तो कुछ ना कुछ फॉर श्योर सीख के जाओगे भाई यहाँ से, ठीक है। सो भाई आज हमारी गाड़ी लोड होनी है इस डॉक से हमारी गाड़ी लोड होनी है, लेकिन अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखाऊं तो भाई थर्सडे 25/7/48 हो रहे हैं सुबह के। चाय वगैरह का जुगाड़ करते कहीं, बाकी जो शुभम भी है ना भैया जो दूसरी गाड़ी है ना हमारी तो वो भी आनी है इसी फैक्ट्री में, बोला था वैसे, बाकी क्या पता आएगी नहीं आएगी। और बोला था उन्होंने कि भाई सुबह दूसरी गाड़ी भी इसी माल के लिए भेज देंगे हम। का जी की नवरत्न सब कुछ तगड़ी है भाई, चलो खा लेते हैं अब जो भी है भाई, यही खाना पड़ेगा सुबह सुबह। पहले जा रहा चाय लेने बड़ी दूर, ठीक है, बाकी ऐसी बात नहीं है मुंह पे पानी तो मारा था मैंने, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं यार, नहाने धोने का कुछ सिस्टम ही नहीं है और नहाने धोने के बगैर तो भाई मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल नहीं। बाकी ब्रश वगैरह कर लिया था हमने और सब कुछ भी खा लिया है। 8:30 बजे वो बंदा लेने आया हमारे को, ठीक है, और ज़्यादा मैं कैमरे से दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि अलाउड ही नहीं है, फालतू में भसड़ मच जाए कि मेरा कैमरा ले लेंगे तब कहाँ जाऊँगा उससे बढ़िया तो है शांत रहो थोड़े से, ठीक है। तो गाड़ी कर दी मैंने स्टार्ट और अनु कहता चाय लेने वो आया नहीं है, मेरे को पत्ते वगैरह खोलने हैं, फटाफट गाड़ी लगाता हूँ लोडिंग पे लगाते हैं भाई। फाइनली भाई चाय आ चुकी है और अपनी पाव वड़ा, स्लाइस को बोलते हैं, अच्छा यहाँ पाव वड़ा, वड़ा पाव, पाव वड़ा है ना, यही होना, ठीक है। तो चाय पी लेते हैं, अभी एक बंदा आया भी था यार बुलाने, पता नहीं कहाँ भाग गया, बुलाने आया उसके बाद मैं गाड़ी लेके भी गया बल्कि परे को जहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पल्ली साइड को आ जाओ, वहाँ पे सिक्योरिटी वाले से पूछा, बोलता वहीं लगाओ जहाँ थी गाड़ी, यहाँ पे कैसे ला दी गाड़ी ऐसा वैसा, मैं हैवी लाया बैग पैक वगैरह, मैं कहा खुद आता रहेगा बुलाने। भाई कुछ ऐसी हो रही है भाई, अंदर शोर ही बहुत है, शायद आप लोगों को सुनाई ना दे रहा हो, तो अंदर शोर बहुत है और ऐसे गाड़ी कुछ लोड हो रही है, पर ये तो अगली गाड़ी हो रही है, अपनी भी ऐसी हो रही है बैक साइड में, ठीक है। तो इतना इतना माल जाएगा भाई, एक एक लाइन रहेगी ये वाली, चिकन है लग रहा है कुछ पैकअप पैकअप हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ देखते भाई खाना खाने आए हुए कंपनी से बाहर। और ये हमारा आज का लंच, देखो ये मिर्ची देखनी है आपने, ये रखी भाई यहाँ पे, क्या बोलते इसको, मिर्ची भाजी, मिर्ची भाजी, तो ये मिर्ची भाजी, तो यही हमारा भाई, अंदर भी नहीं मिले खाने को, यहाँ पे भी खाना पड़ रहा है। शुभी भाई की आज हुई नहीं भाई लोड गाड़ी, ठीक है शुभी भाई आपसे मिलते हैं परे ही, ओके सर, ट्रांसपोर्ट में मिलते हैं। शुभी भाई की हुई नहीं आज, हमारी होगी आगे, कागज वगैरह शाम के 6 बजने लग गए, 6 बज ही गए, ठीक है शुभी भाई चलता हूँ परे मिलते हैं, खुदा हाफिज। फाइनली पहुंच गए भाई गेट पे, यहाँ से होएगी हमारी गाड़ी बाहर के लिए, पहले उससे पहले कंडा होगा, देखते हैं कितना वेट आता है। वैसे मेरे हिसाब से तो भाई 9630 क्विंटल बना अगर जिस हिसाब से उन्होंने वेट बताया है, तो अनु कागज वगैरह लेके खड़ा है, तो करवाते हैं यहाँ से बाहर गाड़ी और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को रोड पे सीधा भाई। वे बिल वगैरह आगे सब कुछ फुल है ना, ये एड्रेस वगैरह ना, उसमें व्हीकल नंबर वगैरह देखने पड़ते, बाकी तो ठीक होता है सब कुछ। सबसे पहले तो नहाने का देखना पड़ेगा भाई, बहुत बुरे हाल हुए हुए हैं, ठीक है, तो नहाने का वैसे तो है वहाँ पे, वो पानी होना चाहिए वहाँ पे, तो नहा भी लेंगे थोड़े फ्रेश से हो जाएंगे, और अभी दिन को खाना नहीं खाया तो कुछ हल्का फुल्का अगर रस्ते में कुछ मिलेगा तो वो खा लेंगे, बाकी जो ट्रांसपोर्टर है वो भी आ जाएगा अभी पर ही, जो मतलब जो ट्रांसपोर्टर होता है हमारा, तो ब्रोकर होता है जो हमारे को डिमांड देता है, बाकी वो फिर किराया वगैरह बिल्टी वगैरह बना के वहीं पर ही दे देगा हमारे को। तो अभी हम हैं कागल इंडस्ट्री एरिया है थे भाई हम भरने के लिए, जो बॉर्डर से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर ही है, इससे परे को कर्नाटका शुरू हो जाता है,
और कोल्हापुर और ये बिल्कुल साथ साथ ही है, 25-30 किलोमीटर का फर्क है सारा ही। ठीक है, सो मिलते हैं आपको सीधा अब ट्रांसपोर्ट में ही। ट्रांसपोर्ट भी दिखाता हूँ आपको अगर टाइम मिलेगा, नहीं तो कल के ब्लॉग में दिखाऊँगा। ये आ गई भाई कोल्हापुर फिल्म सिटी के लिए रोड, जिसने जाना हो यहाँ से जाए कोल्हापुर 6 किलोमीटर के पहले से, कोल्हापुर चित्रनगरी कोल्हापुर फिल्म सिटी, ये जाता है भाई रोड अंदर को, तो कोई भी जा सकता है। शाम के टाइम भाई रश ही गजब हो गया है रोड पे काफ़ी। उस टाइम भी कल जब हम आए तब भी शाम को ऐसे ही रश था, और जब हम अभी जा रहे हैं तब भी ऐसा ही रश है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है। काफ़ी रश रहता भाई शाम और सवेरे के टाइम। तो फाइनली एक जगह पे रुके भाई, यहाँ पे थोड़ा सा पहले ट्रांसपोर्ट से मैंने सोचा कुछ खा लेते यार, क्योंकि हमने दिन में भी कुछ नहीं खाया, वही बस छाछ पी थी और वो जो पकौड़े से थे भाई उसको बोलते थे मिर्ची भाजी, पता नहीं मिर्ची भाजी बोला था उन्होंने क्या बोला था, तो वो खाते हैं। अभी रुके हुए हम, अभी अन्नू गया हुआ है जो सैंडविच है वो लेने गया है, तो सैंडविच वगैरह खाते हैं फिर चलते हैं और थोड़ी सी सफाई वगैरह करते हैं। नहाने का देख रहा हूँ भाई, सूरज भी डूब गया, अपन अंधेरे में क्या ही नहाएंगे, सुबह जल्दी उठ के नहाना पड़ेगा और थोड़ी गाड़ी की सफाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हुई थी जब से बारिश हुई थी ना, तब से बहुत गंदी थी हुई हुई गाड़ी। सो अभी क्या करते हैं, अभी सैंडविच वगैरह खाते हैं, चलते हैं फटाफट से ट्रांसपोर्ट। फाइनली आ गए भाई अपने, क्या है सैंडविच, बर्गर है। ओ बेवकूफ बन गए, ये आ गया भाई अपना बर्गर, एक में बर्गर, इसमें सैंडविच है, दोनों ही अच्छा, ये दूसरे वाले सैंडविच है। तो ये आ गया सैंडविच भाई हमारा, और ये बर्गर, तो इसको खाते हैं अभी चलते हैं, क्योंकि भूख लगी थी, दिन को भी कुछ नहीं खाया था आप लोगों को पता ही है, और ट्रांसपोर्टर से भी आ रहे फ़ोन पर ऐसे, शायद वो आगे होंगे, उनको फ़ोन करना पड़ेगा परे पहुंच के, वो तो बोले फ़ोन करो मेरे को, मैंने आपको जल्दी से जल्दी कागज़ देने। तो भाई ये खाते बर्गर वगैरह, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी बढ़िया है सैंडविच, बर्गर भी सही है भाई, बर्गर भी बढ़िया बना रखा है, मस्त मज़ा आ गया बर्गर खा के। फाइनली पहुंच गया हम इधर, हिसाब किताब बना रहे बाबूजी से, ठीक है। और ये इनका कार्ड है भाई, वैसे तो आपको थंबनेल में दिख ही जाएगा, ये बहुत बड़ा कार्ड, ठीक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बाकी अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और कभी भी आप कॉल करना जब भी कोल्हापुर के आसपास हो तो फ़ोन कर सकते हैं आप। बाकी मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटी होती है और जो भी इसकी बनाते हैं फॉर्मेलिटी जो भी है वो करके फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। तो फाइनली भाई रात के बज चुके हैं 10:30-11 बज गए और सब चले गए, ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी खुली है क्योंकि अन्नू सोया हुआ इसी में और मैं सोऊंगा गाड़ी में भाई, तो गाड़ी लगा दी हमने। ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एरिया है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया जगह है भाई यहाँ पर, और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारे गाड़ी में कितना लोड हुआ है, सो एक बारी आइडिया जो हो जाएगा, पूरी की पूरी गाड़ी खाली है भाई, और बस इतना सा माल है, देखो पूरी की पूरी गाड़ी खाली है, पूरी की पूरी गाड़ी खाली है भाई, यही हुआ है लोड, माल ऊपर को भी खाली है, तो काफ़ी जगह है भाई बची हुई, ठीक है। बाकी बताता हूँ मैं आप लोगों को अंदर चल के, तो 10:30 हो चुके हैं और मैं अंदर आ गया हूँ। बाकी अन्नू सोने गया हुआ है आज भाई, उधर ट्रांसपोर्ट में सो रहा है अन्नू, और मैं सो जाऊँगा गाड़ी में क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी खुली थी और कोई गाड़ी नहीं है इधर। सो कोल्हापुर में मैं कहाँ से लोडिंग कर रहा हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में जो उनका कार्ड है वो देख ही लिया होगा, उसमें आपको नंबर मिल जाएगा इनका, बहुत नाइस पर्सन है यार, मतलब मज़ा आ गया इनसे मिलके, और काफ़ी बढ़िया जो स्ट्रेट टू पॉइंट बात होती है भाई, जैसा आगे से वैसे ही, मतलब जो भी होगा तो स्ट्रेट पॉइंट बात रहती है भाई इनकी। और आप लोगों को मैं बता दूँ भाई,
बाकी 70,000 रुपये, सॉरी 75,000 रुपये मेरा किराया भाई लगा हुआ, और यहाँ से कोल्हापुर टू अपने SAS नगर जो कि कुराली में है। और बाकी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, इस व्लॉग को तो करूँगा यहीं पे एंड, कैसा बना जैसा भी बना भाई देख लेना। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों का सपोर्ट है, और ऐसी सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो भाई वीडियो को, अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दो भाई, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ भाई सबको जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो थैंक यू सो मच भाई मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, बाकी यार ऐसी सपोर्ट करते रहो, ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच भाई आप लोगों का, आप लोगों का सपोर्ट है जो यहाँ तक लेके आया और आगे तक भी लेके जाएगा भाई, और अभी तो काफ़ी सफ़र तय करना है भाई अपनी ज़िंदगी का भी और इस गाड़ी के साथ भी। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना भी ख्याल रखें, अपने से छोटों बड़ों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें भाई, और अपने आस पास जितने भी जानवर हैं उनका भी ख्याल रखें। गर्मियाँ ज़्यादा हो गई भैया, हो सके तो उनको पानी पिला दो, और खाना तो भाई ज़रूर खिला दिया करो, रहनी चाहिए भाई ज़रूर भाई, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, गुड नाइट, लव यू।